जो दिल्ली में लोग पूछते हैं ना कि बागेश्वर धाम में क्या होता है, वो जो पेड़ है उसमें सचमुच कैसा कुछ है क्या, आप तो जानते हो उनको, एक बार अकेले में पूछो। भरोसे का खेल है। मां में भरोसा करता है बच्चा, हल्का सा रोता है तो मां दूध पिला देती है। पिता में भरोसा करता है बच्चा, पिता अपने सिलवाए हुए जूते को छुपाकर बेटे से कहता कि मेरे पास तो अभी जूते हैं, ले 100 रुपए लेके तू नए जूते खरीद ला। ये भरोसे का तत्व है। मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए तो एक दिन खाना खाने बैठे, माता रुक्मणी ने 56 भोग लगाए, खाने के लालची हैं, रसना के बड़े रसी हैं। खाना खाने बैठे, खाना आराम से खा रहे थे, जैसे एक टुकड़ा मुंह के पास गया, टुकड़ा फेंका और दरवाजे की तरफ दौड़े। एक तरफ पीतांबर, एक तरफ मुकुट, एक तरफ मणियों की माला, और भागे कृष्ण उनके पीछे, रुक्मणी भागी उनके पीछे, सेवक भागे। महल बड़ा था, छोटे छोटे मुख्यमंत्रियों का 20-20 बीघे में होता है, वो तो सम्राटों के सम्राट, उनका तो बहुत ही बड़ा। अभी प्रभु देख के आए, प्रभु का महल देख के आए प्रधानमंत्री जी नीचे जाके। लोग मुझसे कह रहे थे नीचे जाके क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इसको सामान्य घटना मत समझो, अगर कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं तो बनवाने की सोच रहे होंगे। मैंने कहा इनको लाइटली मत लिया करो, चमत्कारी आदमी है। अपने ही देश के एक द्वीप पे कुर्सी बिछा के बैठे बेचारे, न बोले न चाले, और एक देश डूब गया। हमसे पूछने लगे हमारे भैया धीरेन्द्र भैया कि दद्दा जी बताओ, ये अच्छा खासा अयोध्या का प्रसंग चल रहा था, मालदीप क्यों डुबो दिया। मैंने कहा भैया ये परंपरा है, जब जब राम जी अयोध्या लौटते एक द्वीप डूबता ही है। कन्हैया भागे लटपट और अचानक द्वार तक गए और द्वार से लौट आए, तो माता ने पूछा कि क्यों गए। रसमंजरी में कहानी आती है श्लोक के माध्यम से, माता ने पूछा क्यों गए, बोले वो मथुरा से एक बावरा भगत हमारा, जैसे हमारे भैया कहते धीरेन्द्र भैया मेरे पागलों, तो कृष्ण के भी पागल, तो बोले मेरा एक पागल आ गया यहां, एक तारा हाथ में लेके काना काना गाता था, लोगों ने पागल समझा, उस पर पत्थर मारे, मुझे वो दिख रहा था तो मैं उसे बचाने गया था। यही संबंध है बागेश्वर पीठ का अपने आस्तिकों के साथ, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगली पंक्ति पर समझना मेरी बात, बोले मैं बचाने गया था, तो रुक्मणी ने पूछा बचाने गए थे तो आ क्यों गए, बोले जब तक मैं दरवाजे पे गया तब तक वो कन्हैया कन्हैया गाकर पत्थर सह रहा था, जैसे इसने तानपुरा नीचे रखकर पत्थर उठाया मुझे लगा अब इसने मुझ पर भरोसा छोड़ दिया, खुद ही लड़ रहा है तो मैं क्या सहायता करूं। यह जो विश्वास है भक्ति का, नारद जी जिस मार्ग से भगवान विष्णु से मिलने जाते थे, भक्तांबर में कहानी है, वहां एक भक्त बैठा था भगवान की तपस्या कर रहा था, उसे नारद जी दिखे, बोले अंदर जा रहे हो, बोले हाँ, बोले विष्णु जी से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने सारी बातें पूछी और कहा कि भाई वो एक बाहर आपका भक्त बैठा है इमली के पेड़ के नीचे, इमली का पेड़ देखा है, एक पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, सैकड़ों। तो बोले वो पूछ रहा है कि मुझे विष्णु जी कब दर्शन देंगे। विष्णु जी ने टालने के लिए कह दिया कि बोले उससे कह देना कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म बीत जाएंगे तो मैं दर्शन दूंगा। नारद जी लौटे, भक्त ने फिर पकड़ लिया, बोले प्रभु अंदर से आ रहे हो, बोले हाँ, बोले विष्णु जी से मेरी बात हुई, बोले हाँ हुई, बोले कहा मुझे कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने कहा उदास हो जाएगा तू सुनकर, दुखी हो जाएगा, तेरा मन टूट जाएगा। उसने कहा बोलिए तो सही, बोले भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठ के तो तपस्या कर रहा है इसमें जितने पत्ते हैं इतने जीवन तपस्या कर तब मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा। अब सुनिएगा ये बात कि इतना कहते ही भक्त नाचने लगा, पागल हो गया, बोला मेरा विष्णु आएगा, मेरा भगवान आएगा, मुझसे मिलने आएगा, तय हो गया, बस तपस्या करनी है, थोड़ी सी तपस्या, जितने पत्ते हैं इतने जन्म तपस्या करनी है। वो नाच ही रहा था कि विष्णु प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़कर गले लगा लिया।
नारद जी ने कहा, प्रभु आपने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई, मुझसे झूठ बुलवा दिया। आपने कहा कि जितने पत्ते हैं इतने जन्म बाद आऊंगा, आप तो भी प्रकट हो गए। बोले, मैं प्रतीक्षा के लिए नहीं, मैं विश्वास के लिए जीता हूं। इसे इस बात का भरोसा है कि इतने लाख जन्म तपस्या करके मैं मिलूंगा। मैं इसके इस भरोसे को पुष्ट करने के लिए इसे प्रेम करने आया, इसे दर्शन देने के लिए आया।